नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 साइबर सेफ्टी खतरों के बारे में जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। साइबर अटैक से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपकी पर्सनल जानकारी गलत हाथों में जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिशिंग एक ऑनलाइन चोर है जो आपको बेवकूफ बनाकर आपकी पर्सनल जानकारी चुरा लेता है। ये लोग आपको असली लगने वाले ईमेल भेजते हैं, जैसे कि बैंक से आया हो। लेकिन याद रखें, कोई भी असली कंपनी आपसे ईमेल पे ऐसी जानकारी नहीं मांगेगी। अगर आपको जरा भी शक हो तो सीधे उस कंपनी को फोन करके पता कर लीजिए। मैलवेयर एक वायरस है जो आपके कंप्यूटर या फोन को बीमार कर सकता है। ये वायरस आपके डिवाइस में घुसकर आपका डेटा चुरा सकते हैं या उसे स्लो कर सकते हैं। हमेशा एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने डिवाइस में रखें और सुरक्षित वेबसाइट ही खोलें। डिवाइस पारदाई कहते हैं। रैनसमवेयर एक खतरनाक साइबर अटैक है जिसमें हैकर्स आपके डेटा को लॉक कर देते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। हमेशा अपने जरूरी डेटा का बैकअप लेकर रखें। अपने सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, क्योंकि हैकर्स पुराने सॉफ्टवेयर में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाकर आपके डिवाइस में घुस सकते हैं, क्योंकि हैकर्स निर्गर्हित हैं। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा हथियार है जिसमें हैकर्स आपको बेवकूफ बनाकर आपसे ही आपकी पर्सनल जानकारी निकलवा लेते हैं। कभी भी किसी को भी अपनी पर्सनल जानकारी फोन पे या फिर मैसेज पे ना दें। अगर आपको किसी का फोन आता है और वो आपसे ऐसी जानकारी मांगता है तो उसको सीधे फोन काट दें। DDoS अटैक में हैकर्स किसी वेबसाइट या सर्वर को इतने सारे रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। इससे उस वेबसाइट को चलाने वाले व्यक्ति का बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो DDoS अटैक से बचने के लिए सुरक्षा के अच्छे इंतजाम करना बहुत जरूरी है। पासवर्ड हमले सबसे आम साइबर अटैक में से एक है। हमेशा एक मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें छोटे बड़े अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर हों। अगर आपको लगता है कि आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया है तो उसे तुरंत बदल दें। इन बाबा तब्दी किए दम्बाग हैं। इनसाइडर थ्रेट तब होता है जब कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी के अंदर का होता है, जानबूझकर या अनजाने में उस कंपनी के साथ गद्दारी करता है। अपने कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। APT एक खतरनाक साइबर अटैक है जिसमें हैकर्स लंबे समय तक किसी कंपनी के सिस्टम में चुपके से घुसे रहते हैं। अपने सिस्टम की नियमित रूप से जांच करते रहें और कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखाई देने पर तुरंत एक्शन लें। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हैकर्स इन डिवाइस को हैक करके आपके घर में घुस सकते हैं। अपने सारे IoT डिवाइस को सुरक्षित रखें, उनका पासवर्ड रेगुलर बदलते रहें और उनको अपडेट रखें। क्रिप्टोजैकिंग एक साइबर अटैक है जिसमें हैकर्स आपके कंप्यूटर या फोन का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी माइन करने के लिए करते हैं। अपने डिवाइस में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखें और किसी भी संदिग्ध वेबसाइट को ना खोलें। अतः अंतिम दिए हैं। ये थे टॉप 10 साइबर सेफ्टी खतरे जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को साइबर क्रिमिनल्स से बचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।